नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और करनाल का इलाका सदर बाज़ार है, आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है। मुख्य सड़क है ये, जहां पर रात को पुलिस की पेट्रोलिंग भी रहती है। और इन सब के बावजूद आप देख सकते हैं कि कोने पर बनी ये जो स्टेशनरी की दुकान है, रात को चोरों ने यहाँ पर धावा बोला और लगभग 4 से 5 दुकानों के शटर तोड़ने की कोशिश की गई। कोशिश नहीं की गई बल्कि शटर तोड़ ही दिए गए। आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के जो इंतज़ाम हैं दुकानदारों के, कहीं ना कहीं वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो चोर हैं वो कहीं ना कहीं उनके हौसले बुलंद है। जैसे जैसे कोरोना में अनलॉक को देखते हुए लगातार दुकानें और हर चीज़ खोली जा रही है, ऐसे में चोरों के हौसले कहीं ना कहीं बुलंद है। लगातार चोर रोज़ाना कहीं ना कहीं चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कल कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है सेक्टर 5 करनाल के, उनके घर में चोरी की गई। और आज करनताल पार्क के बिल्कुल नज़दीक आप देख सकते हैं कि ये मुख्य सड़क है, 3 बल्कि 4 सड़कें यहाँ पर जुड़ती हैं। चौक है ये, मुख्य चौक है। पुलिस का दावा है कि वो रोज़ाना यहाँ पर PCR के द्वारा गश्त करती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि चोरों ने ताले तोड़े। कितना नुकसान हुआ दुकानदार से जानते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, पता लगा कि चोर आए थे? सर, हमारे यहाँ नुकसान तो हुआ नहीं, तो यानी कि चोर आए थे ताला तुला तोड़ के। हमें तो सुबह 5 बजे पता लगा है भी यहाँ भी ऐसे ऐसे करके आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं, तो हम फौरन आए यहाँ पे, तो देखा तो पड़ोस वाली दुकान के भी ताले टूटे हुए थे। तो उन्हों को कैंपर वाले ने बताया था, पानी वाला जो आता है कैंपर वाला, उन्होंने उसको, तो तब हम आए तो हमने फिर यहाँ आके देखा। पुलिस भी मौके पर आई थी, तो उन्होंने सारा कुछ देख के भाई ये दुकान खोल के, तो ये चीज़ काउंटर सारे खुले हुए थे, यानी कि डोर जो हैं सारे के सारे खुले हुए डोर मिले हैं उन्हों को भी। और हमारे नुकसान तो हमें अभी मालूम नहीं भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यानी कि थोड़ा बहुत जो हुआ होगा। बाकी पड़ोस वाले का जो नुकसान है, उसका लैपटॉप ले गए हैं, एक मोबाइल है उसका, और एक 2,500-3,000 रुपये के आसपास उसके नगद पैसे। आपने तो इंतज़ाम पूरे कर रखे थे, उसके बावजूद ये कार्रवाई होगी? इंतज़ाम तो पूरी है, मैम लोग हैं, 4-3 शटर हैं, 6 लोग लगे हुए हैं। पहले भी 2 साल पहले भी एक बारी ताला टूट गया था, और आज से 5 दिन पहले भी उन्होंने ताले के ऊपर वो करा, तो हमने ताला बदल दिया। कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है बार बार दुकान, कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है बार बार। जो और आपकी तो दुकान भी मुख्य सड़क, हाँ मुख्य सड़क पर मेन चौक पे है, जबकि लाइट लगी हुई हैं, 4-5 लाइटें लगी हुई हैं, उसके बावजूद भी ये हरकतें हो रही हैं। कहीं ना कहीं चोरों के हौसले बुलंद हैं, हौसले बिल्कुल बुलंद हैं। और जबकि लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन के बाद रात को कर्फ्यू है 9 बजे के बाद, लेकिन फिर भी चोर इतने साथी रहे हैं, वो चोरी करके चले जाते हैं। ये बड़ी बात है कि यहाँ पर फिलहाल बताया जा रहा है कि कर्फ्यू लगा हुआ है और उसके बावजूद इस तरह की जो कार्रवाई है वो हो जाती है। आप देख सकते हैं कि चौक पर, मुख्य चौक पर लाइट भी लगी हुई है, चौक 4 सड़कें यहाँ पर जुड़ती हैं, पुलिस चौकी यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर है, और उसके बावजूद जो चोरों के हौसले इस तरह से बुलंद हैं। और ये कोरियर की दुकान है, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर भी दुकान का ताला तोड़ा गया, इस शीशे को तोड़ा गया, और उसके बाद दुकान के अंदर घुस जाते हैं चोर, और जो दुकानदार है उनसे बातचीत करते। भैया, आपके भी यहाँ पे चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, यही हुआ है, जो मेन चोरी यहीं पे हुई है। दोस्तों तो खोल के गए थे, उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ है। मेरे यहाँ से लैपटॉप ले गए, एक मोबाइल और कुछ कैश पड़ा था वो ले गए। तो अमूमन इस तरह की कोई वारदात पहले भी कभी हुई है? हाँ, कुछ दिन पहले भाई का ये साथ वाले का किसी ने शटर तोड़ा था, मतलब कोई मतलब बाइक निकालने लगे थे उसकी, कोई आ गया होगा छोड़ गए हैं। उससे पहले एक वो इसकी जनरेटर खड़ा है, उसके मोटर उतार के ले गए हैं। थोड़ी सी आगे जाके अपना बैटरी वाले हैं, उनका मतलब तोड़ के गले में से पैसे ले गए हैं। या एक हार्डवेयर वाला है, स्पेयर पार्ट वाले, उनका अभी आज फिर तोड़ गए हैं, उससे पहले कुछ दिन पहले फिर तोड़ गए थे वो। कहीं ना हौसले बुलंद लग रहे हैं चोरों के। आपकी तो दुकान चौक के नज़दीक है, पुलिस चौकी भी नज़दीक है। बिल्कुल सर, प्रशासन यहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। हमने 50 बार कह दिया कि यहाँ लाइट लगा दो, अंधेरे का फायदा उठा कर, यहाँ लगातार वारदात हो रही है। 2 महीने के अंदर कम से कम ये 8वीं वारदात है। हौसले बुलंद है कहीं बिल्कुल जी। और जिस तरह से रात को, यानी कि प्रशासन का दावा है कि कर्फ्यू लग जाता है, ऐसे में तो कोई आदमी बाहर निकलना नहीं चाहिए, और चोर यानी चौकों की दुकान को निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल जी, वो कम से कम भी यहाँ पे मेरी दुकान के अंदर आधा एक घंटा बैठ के गए हैं, पंखा चला रहा था, और यहाँ से जिस तरीके से फोला फाली की गई है, मेरे यहाँ से कम आधा एक घंटा लगा के गए हैं वो लोग। क्या कुछ मांग करेंगे?
मैं यही कहूँगा प्रशासन से किस तरह के पकड़े, और मेरा जो लैपटॉप है मेरा डाटा बहुत कीमती है, उसमें मेरी बिलिंग है कम से कम भी 1,00,000+ की बिलिंग मेरी पेंडिंग है जो लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई है कस्टमर की। हाँ, डाटा उसके अंदर है कम से कम। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो कोरियर की दुकान है यहाँ पर भी लैपटॉप मोबाइल और लगभग 2,500-3,000 रुपये की नकदी बता रहे हैं ये ले गए थे, और यानी कि किसी चीज़ को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए थे, लेकिन जो यहाँ नज़दीकी आश्रम बना हुआ है वहाँ पर बताया जा रहा है कि कैमरे लगे हुए हैं और चोर जाते हुए उसमें दिखाई भी दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस चौकी नज़दीक है, मुख्य चौक नज़दीक है, और ऐसे में अगर इस तरह की वारदात हो जाती है तो आखिर उसका जिम्मेवार कौन है। और आप देख सकते हैं कि ये जो शीशा है चोरों ने आराम से, यानी तोड़ा नहीं, इसे आराम से इसे निकाला, और निकालने के बाद दुकान के अंदर एंट्री हुए, लगभग आधा घंटा दुकान के अंदर रहे, लैपटॉप मोबाइल और पैसों पे हाथ साफ किया और उसके बाद चले गए। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि आखिर इन जो छोटे मोटे दुकानदार हैं ये, जिनका काम पहले ही पूरा सूरा है, और उसके बावजूद इस तरह की जो वारदात लगातार हो रही है वो कहीं ना कहीं दुकानदारों का जो हौसला उसे तोड़ने का काम कर रही है। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। कोरियर की दुकान है ही, अंजलि एंटरप्राइजेज नाम है, और देख सकते हैं करनताल मार्केट इस पर लिखा हुआ है, पुलिस चौकी बिल्कुल नज़दीक है, और ऐसे में चोरी की जो वारदात है कहीं ना कहीं इस तरह से यानी दुकानदारों को कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर पहुँचा रही है। और भी दुकानदार हैं उनसे पूछते हैं, भैया इस तरह की जो वारदातें बार बार हो रही हैं क्या लग रहा है आपको, भी डर नाम की चीज़ नहीं लगी? डर नाम की तो है नहीं सर, ये पता भी क्या चीज़ यहाँ लाइट निकलो उसका फायदा उठाते हैं, लाइट का यहाँ अंधेरा होता है यहाँ पे, और एक दुकान निकल कहीं 9 दुकानें फट ली सर यहाँ पे। अरे पुलिस आते हैं थोड़े कार्रवाई करके चलते, उसके बाद कोई होती नहीं कार्रवाई, आज भी आए थोड़े लिख पोटी सी करके फिर चले गए जी। पुलिस चौकी कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से जी आधा किलोमीटर दूर होगी सर। आधा किलोमीटर दूर, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ही मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी बनी हुई है, और ऐसे में अगर इस तरह की वारदात हो जाए तो सवाल उठने लाजमी है। और मैं आपको बता दूँ कि पुलिस की गश्त के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं फिलहाल फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह की गश्त लगातार हो तो इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता। चौक के बिल्कुल नज़दीक है, और ऐसे में अगर ये वारदात हो जाती है तो अपने आप में बड़े सवाल ज़रूर खड़े कर देती है। आप सभी लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। दुकानदारों की मांग है कि जो लाइट है वो कम से कम यहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, इसीलिए इस तरह की जो वारदातें लगातार हो रही हैं। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। चिलचिलाती गर्मी में घर को बना दे शिमला जैसा कूल कूल, 60 डिग्री टेम्परेचर में भी रूम को करे चिल। एम्स्टर्ड का डॉक्टर एसी वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रांड जो है IMA डॉक्टर द्वारा प्रमाणित, PM2.5 फिल्टर के साथ हवा को करे साफ, मच्छरों को रखे रूम से दूर। आज ही अपने घर में एम्स्टर्ड का डॉक्टर एसी लाएं और बीमारियों को भगाएं।